नमस्कार, इनगोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत. आयुष आरोग्य सेवेचा शुभारंभ पणजी येथे करण्यात आला. या प्रसंगी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित होते. तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया. सबसे पहले 2014 में आयुष मंत्रालय अलग करके पूरे देश को बताया कि आयुष भी एक अलग से पैती है और वो सालों से परंपरागत 5000 सालों से पहले से चरक शिश्रुत वाग्भट से ये पैती चलती आ रही है. नॉट ओनली द आयुर्वेदा बट सिद्धा एंड यूनानी ये पैती अपने देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेडिशनली लोग प्रैक्टिस करते थे, ऋषि मुनि से प्रैक्टिस करते थे और इनको अभी रिसर्च ओरिएंटेड करना जरूरी है. इसलिए उन्होंने अलग से आयुष मंत्रालय स्टार्ट किया और पूरे देश और पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बता दिया. द सेकेंड, उन्होंने जो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून जैसे अभी बताया, यानी 21 जून आयुष योगा डे बता के मोर देन 160 कंट्रीज में योगा प्रैक्टिस किया. इसलिए तो आज कोई भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स या कोई भी आयुष का प्रैक्टिशनर्स इंडिया से उस कंट्री में जाता है तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि ये इट इज एंड रजिस्टर्ड डॉक्टर इन द इंडिया, फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर देते हैं. और थर्ड थिंग, अगेन द आयुष वीजा विच इज इंट्रोड्यूस बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. जो आयुष वेलनेस के ट्रीटमेंट लेने के लिए जिस किसी को अपने कंट्री में आना चाहिए, ही कैन टेक द सेपरेटली आयुष वीजा और वो अपने देश में आ सकता है. ये बहुत बड़ी बात उन्होंने देश के लिए कर दी. इसके बाद में मैं ये बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा माननीय मोदी जी का प्रेम आयुर्वेद के ऊपर और आयुर्वेद से लेके गोवा के ऊपर. जितना आयुर्वेद और आयुष को यानी आयुष की जो पैती रिसर्च अस्पताल गोवा को दिया उतना और किसी स्टेट को नहीं दिया है. इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. सेपरेटली द आयुष हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर अलॉन्ग विद द यूजी एंड पीजी इन धारगढ़ पेट ने जो गोवा के लिए दे दिया है. सेपरेट डिसीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो गोवा के लिए दिया है. और बिसाइड दिस टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयुष ओपीडी इन ईच एंड एवरी पीएचसी यूएचसी इवन दो द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आज हमने ईच एंड एवरी पीएचसी लेवल पे हमारा आयुर्वेद आयुष का डॉक्टर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है. इसीलिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. और इसी अवसर पर जैसे मेरे बात करते वक्त यानी हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा और सोनोवाल जी ने भी कहा, इंटीग्रेशन इज द बेस्ट. और इसी इंटीग्रेशन के साथ हमें स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, हमें हमारे दिनचर्या ऋतुचर्या प्रैक्टिस करते वक्त भी हमारे रिसर्च करना हर एक सेक्टर में, चाहे वो कैंसर हो चाहे वो बाकी डिजीज हो. और इसमें मुझे लगता है कि चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ CCRS एंड गोवा मेडिकल कॉलेज, इनमें कोलाब्रेशन होना जरूरी है. वही कोलाब्रेशन के लिए चाहे गोवा यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेदिक कॉलेज हो, आयुष इंस्टीट्यूट हो और CCRS हो, इन सभी के बीच में इंटीग्रेशन रहा तो मुझे लगता है इसका इन लॉन्ग रन मोर बेनिफिट विल गेट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. इनके लिए इनका फायदा हो जाएगा. और जैसे बताया कि सभी का डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर जो मेडिसिन निकलते हैं और ढेर सारे मेडिसिन इस तरह से आगे आके भी निकल सकते हैं, उसका लॉन्ग रन फायदा सभी लोगों के लिए हो सकता है. इसलिए मैं मिनिस्टर सोनोवाल जी से कहना चाहता हूँ क्योंकि वी विल डू द रिसर्च ओरिएंटेड इंटीग्रेशन विद द गोवा मेडिकल कॉलेज, विद द गोवा यूनिवर्सिटी, विद आयुष हॉस्पिटल, विद आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी कॉलेज इन द स्टेट. और इन लॉन्ग रन जितने सारे आयुष के अंडर इंस्टीट्यूशन एक जगह पे होंगे, इन सब का इंटीग्रेशन से चलेगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे सभी लोगों को मिलेगा. मुझे खास करके उल्लेख करने पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से यानी होम्योपैथी की प्रैक्टिस पूरे ईच एंड एवरी स्कूल में आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. क्योंकि अभी तक मैंने सही में क्योंकि होम्योपैथी
होम्योपैथिक इन चिल्ड्रंस पे उनके जिस तरह से उनका प्रमोशन इस अपने ओपीडी से कर रहे हैं, इसलिए आप सभी के डॉक्टर्स का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और न्यूली सिद्धांत यूनानी, इसके बारे में गोवा के लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर सिद्धा डॉक्टर एंड यूनानी डॉक्टर, इनकी रहेगी, क्योंकि हम कैंप करके लोगों के बीच में अवेयरनेस करके लोगों के बीच में किस तरह से जाए, और इसके लिए जो पूरा सहकार्य चाहिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का रहेगा, हमारे बाकी इंस्टीट्यूशन का, जो आयुष के बाकी सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं, उन सभी का भी आपको पूरा सहयोग रहेगा। इससे हम यानी सभी लोगों का हेल्थ किस तरह से अच्छा रख सके, इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इट इज़ नॉट ओनली द ओपीडी एंड इट इज़ नॉट ओनली द पंचकर्मा, बट इवन दो द रिसर्च इन द सिद्धा, आप लोग सभी यहाँ पे मिल के जो रिसर्च सिद्धा यूनानी होम्योपैथी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी में जो करेंगे, इसका लॉन्ग रन गोवा में जो गोवा बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यहाँ पे है, उनकी चेयरमैन यहाँ पे है, और सभी डॉक्टर्स जो इंटीग्रेटेडली काम करते हैं उनका भी कोलाबरेशन में आपने किया, तो बाकी सभी डॉक्टर्स यहाँ आके और दो वांट टू डू द रिसर्च, इनके लिए भी ज़्यादा करके सिद्धा और बाकी में रिसर्च कर सकेंगे हम। आपको जो रजिस्ट्रेशन सिद्धा यूनानी नेचुरोपैथी बाकी सभी आयुर्वेदा होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी, इन डॉक्टर का तो रजिस्ट्रेशन गोवा में हमेशा के लिए देते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोर्ड में हम इन डॉक्टर्स को भी जो पास आउट है और जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको भी रजिस्ट्रेशन देंगे, सो दैट कोलाबरेटिवली वी कैन डू द वर्क, यानी अच्छी तरह से हम काम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि गोवा में एक अच्छी तरह का इंटीग्रेशन एक इस एनवायरमेंट हो जाएगा, और गोवा बहुत ही छोटी स्टेट है, इसलिए हम इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर सकेंगे स्पेशली फॉर द पंचकर्मा असिस्टेंट्स जो यहाँ पे चाहिए, इन यूर कोलाबरेशन हम वो भी यानी ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे तैयार कर सकेंगे। मजा समेस्त कोई कारण एक सांगण्याचा कि आईच्या घडीत त्यांना मी आयुर्वेदा होम्योपॅथी सिद्धा युनानी ही जी ओपीडी रायबंदरच्या या जुन्या हॉस्पिटलात सुरुवात करता, आणि ते भी फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकारच्या आणि श्रीमान भाऊंच्या प्रयत्नात सुरू झाली ही ओपीडी, आयच्या गोयच्या सगळ्या लोकांखातीर उघडी जाता, सगळ्या लोकांखातीर खुली जाता, आणि त्याचबरोबर पंचकर्मा ट्रीटमेंटाच्या सहित सिद्धा युनानी सगळे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हांगासर अवेलेबल असतली,